इंट्रोडक्शन टू सी एस एस राइट। अच्छा, सबसे पहले इसमें ये जिक्र है, तीन बातें इसमें कवर हो रही हैं कि व्हाट सी एस एस डज, सी एस एस असल में काम करता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ सी एस एस वर्क, कि सी एस एस क्या करता है और कैसे करता है, और लास्ट में सबसे बात ये डिस्कस हुई है कि रूल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वैल्यूज क्या होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट हाउ टू मेक योर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव कंट्रोलिंग द डिज़ाइन ऑफ देम यूजिंग सीएसएस। आपके पेज को आपने अट्रैक्टिव कैसे बनाना है वो यहाँ पे बात डिस्कस होगी सीएसएस के ज़रिए, कलर्स वगैरह देखे, और कंट्रोलिंग द डिज़ाइन ऑफ देम और उसके डिज़ाइन को कैसे कंट्रोल करना है आपने वो भी बात यहाँ पे डिस्कस होगी। डिज़ाइन की डिस्कशन हम थोड़ी सी कर चुके हैं इस क्लास में, ठीक है, ऊपर जिस दिन हमारी क्लास हुई थी, कि भाई ये डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, एक वेब पेज में डिज़ाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर चुके थे उस क्लास में। अच्छा, उसकी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी अनफॉर्चुनेटली, तो लेकिन ये है कि जो लोग मौजूद थे उनको पता है कि क्या थी वो बात। तो डिज़ाइन का बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो कलर्स से आता है, कि भाई आपकी वेबसाइट का मेन कलर क्या है, प्राइमरी कलर्स क्या हैं, कलर आपके मूड को सेट करते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, फ़ोटोज़ पिक्चर्स आपने क्या लगाई हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन को कंट्रोल करने के लिए आपको ज़ाहिर है कलर्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, तो कंट्रोलिंग द डिज़ाइन ऑफ देम यूजिंग सीएसएस, तो वो बात करेगा ये। एक वेबसाइट इन्होंने बनाई हुई है इस थ्रू आउट द चैप्टर, इसको ये लेके चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सीएसएस, सीएसएस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक मिसाल के साथ, कि थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, आप सोचें कि आप हर चीज एक बॉक्स है। द की टू अंडरस्टैंड हाउ सीएसएस वर्क इज टू इमेजिन दैट देयर इज एन इनविजिबल बॉक्स अराउंड एवरी एचटीएमएल एलिमेंट। ये एक एचटीएमएल का पेज बना हुआ है, इसमें कौन मुझे बताएगा कि कितने एचटीएमएल के एलिमेंट्स हैं, कितने बॉक्सेस हैं? नंबर एक H1 एक बॉक्स है। आप इमेजिन करें कि इसके सराउंडिंग में एक इनविजिबल एक बॉर्डर बना हुआ है और ये एक बॉक्स की सूरत में। उसके बाद हमारे पास एक अदद पैराग्राफ है, दो लाइन का पैराग्राफ है, ये एक बॉक्स है। अच्छा, इस पैराग्राफ में शुरू का जो ये कॉटेज गार्डन लिखा हुआ है ये इटैलिक हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्क्वायर है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उसके सराउंडिंग में ऐसा इनविजिबल बॉक्स है, ऐसा आपने एज्यूम करना है, ऐसा आपने कंसिडर करना है, और इन बॉक्सेस के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की जा सकती है। अच्छा, इसको हम गूगल क्रोम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ये मेरी वेबसाइट है जो लास्ट क्लास में हम बना रहे थे, लास्ट में नहीं बल्कि अभी बना रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है, लास्ट टॉपिक था एक्चुअली ये। तो यहाँ पे आप देखें जिस एलिमेंट पे भी मैं लेकर जाता हूँ वो एक बॉक्स की तरह बन के मुझे दिख जाता है, देख रहे हैं आप। ये कैसे किया मैंने, गूगल के डेवलपर टूल्स ओपन किए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, ठीक है, और उसके बाद ये छोटा सा एक की बनी हुई है यहाँ पे, इस पर हाथ रखता हूँ तो लिखा हुआ था सेलेक्ट एन एलिमेंट, इसको क्लिक किया तो ये ब्लू हो गया। अब ये ब्लू हो गया ना, अब मैं कहीं पे भी लेकर जाऊँगा तो मुझे उस एलिमेंट के बारे में कुछ बातें बता रहा होता, ठीक है, क्लिक करूँगा तो उस टैग के ऊपर मुझे यहाँ लेकर आ जाता है, ये क्लिक कर देता हूँ किसी एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये फेनोमेना है कि हर एलिमेंट एक्चुअली एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स है। अच्छा, सी एस एस एसोसिएट रूल विथ एच टी एम एल एलिमेंट्स। अब वो जो बॉक्सेस आपको बन के नज़र आ गए ना, हर बॉक्स के साथ क्या कर सकता हूँ मैं, सी एस एस के कुछ रूल्स को एसोसिएट कर सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि इस बॉक्स को रेड कर दो, ठीक है, या इस बॉक्स के बैकग्राउंड कलर को रेड कर दो, या इस बॉक्स की विड्थ को बढ़ा दो 10 पिक्सल से इसको 50 पिक्सल कर दो, तो उस बॉक्स के ऊपर एसोसिएट होगा, जैसा कि हमने जिक्र किया था अभी इनलाइन एलिमेंट में थोड़ी देर पहले, कि स्टाइलिंग हमेशा मार्कअप के ऊपर लगाई जा सकती है, टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगा सकती, नहीं, पैराग्राफ के मार्कअप पे लगेगी यार, वो जो भी चीज़ मैं लगाऊंगा उस पूरे पैराग्राफ पे उसका एप्लीकेशन मुझे नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही बात यहाँ पर डिस्कस हो रही है कि सी एस एस एसोसिएट करता है स्टाइलिंग रूल्स विथ एच टी एम एल एलिमेंट्स। कैसे करता है
यहाँ पे एक बात इसने बताई है, सीएसएस का एक रूल लगा कर बताया है कि पैराग्राफ का जो एलिमेंट है मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में, जितने भी पी वाले एलिमेंट हैं उस पर फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दो एरियल। ठीक है, एरियल एक फॉन्ट होता है, आप अगर फोटोशॉप वगैरह किसी ने यूज़ किया या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया तो आप किसी भी फॉन्ट को, किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं और ऊपर से एक ड्रॉप डाउन से उसका फॉन्ट चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो एरियल उसमें एक फॉन्ट होता है जो सबसे टॉप पे आ रहा होता है, पहला फॉन्ट होता है एरियल आमतौर पर। तो मैंने बोला भाई एरियल कर दो उसका, तो वो पैराग्राफ जितने भी होंगे ना मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे एरियल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे इसने बोला कि भाई H1, H2 और H3 ये तीन तरह के एलिमेंट, जितने भी H1 है, जितने भी H2 है और जितने भी H3 हैं, उन सबको क्या कर दो, उनका फॉन्ट फैमिली एरियल कर दो और कलर येलो कर दो। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि एक वक्त में एक से ज़्यादा एलिमेंट को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ और एक से ज़्यादा रूल भी एक वक्त में लगा सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये क्या बता रहे हैं, अच्छा ये टर्मिनोलॉजी ना आपने भूलनी नहीं है, ये जो P लिखा है ना मैंने एलिमेंट का नाम, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टर, और इसके बाद जो ये एक लाइन लिखी हुई है दिस इज अ डेक्लेरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेलेक्टर है और एक डेक्लेरेशन है, यहाँ पे क्या है तीन सेलेक्टर है और दो डेक्लेरेशन है। अच्छा, डेक्लेरेशन किससे मिलके बनती है, प्रॉपर्टी और वैल्यू से मिलके बनती है। ठीक है, अच्छा हर एलिमेंट पे जो CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं वो अलग अलग है, सही है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो सारे एलिमेंट पे लग, जैसे कलर है, कलर एक ऐसी चीज़ है जो तमाम एलिमेंट पे लग जाती है, लग जाती है कलर, इमेज पे कलर तो नहीं लगता, इमेज पे तो कोई कलर होता ही नहीं है ना, इमेज के तो अपने कलर्स होते हैं। ठीक है, तो कलर भी इमेज पे नहीं लगा सकते आप। अच्छा हाँ, इसी तरीके से जो आपका फॉन्ट फैमिली जो है वो आप सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स पे लगा सकते हैं जिसमें टेक्स्ट होता है। ठीक है, अच्छा फिर आप जो अब सेल पैडिंग वगैरह ये इस तरह की चीज़ें हैं वो तो आप टेबल पे ही लगा सकते हैं सिर्फ। ठीक है, लिस्ट स्टाइल आप जाहिर है ड्रॉप डाउन उस पे लगा सकते हैं आप सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट पे, क्योंकि लिस्ट स्टाइल उसी में सर्कल और बुलेट और वो सब होता है। ठीक है, तो हर HTML एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना CSS प्रॉपर्टीज़ वो अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर्टी आप तमाम पे लगा देंगे। जब आप MDN के डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो हर HTML के एलिमेंट के साथ साथ में उसकी CSS प्रॉपर्टीज लिखी हुई होती हैं, वो हम भी देख लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, तो अब ये इसने बात कर दी और ये एक एग्जांपल बना के इसने यहाँ पे दिखा दी। अब हम ज़रा हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं इसका, यही जो बात लिखी हुई है ना इसने यहाँ तो ऐसे लिख कर बता दिया है रैंडमली, इसका ज़रा हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं। अब हम कोड में आ जाते हैं और कोड में आके मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ नया, इसमें लिखता हूँ मैं 1.html5 और ये तमाम का तमाम कोड ना इसमें मैं मूव करवा देता हूँ, सही हो गया, ताकि हमारा ना मैस नहीं हो, थोड़ा क्लीन रहे। html5 हो गया, 2.css3। अब ये css3 के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ 1.hello world, सही है। इस हेलो वर्ल्ड के अंदर मैं क्या बना लेता हूँ, एक अदद फाइल index.html, सही है, और यहाँ पे मैं एक बेसिक HTML लिख लेता हूँ, और बेसिक HTML लिखने के बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ पे एक अदद हेडिंग लगा लेता हूँ, इसको क्या करें, कुछ ChatGPT से बोलते हैं कुछ हमें बेसिक HTML का पेज बना के दीजिए, है ना, देखते हैं बना के देता है या नहीं देता है। मैंने बोला बिल्ड भाई बिल्ड बेसिक HTML पेज विथ फ्यू हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, इससे हम HTML का कोड लिखवाते हैं आज। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि वो बेसिक चीज़ ज़ाहिर है मैं विकीपीडिया से कॉपी करके लाता या कहीं ना कहीं से हेडिंग्स और पैराग्राफ्स बुक से कॉपी करता, तो मैंने कहा यार मैं एक काम करता हूँ मैं इससे बोल देता हूँ, मतलब दो ही हेडिंग यार, थोड़ी सी ज़्यादा लिख देता। अभी आगे क्या लिखता जा रहा है,
एक्सप्लेनेशन लिख रहा है उसकी, अबे नहीं चाहिए थी एक्सप्लेनेशन भाई, बेसिक लिख दिया ना मैंने शायद, इस वजह से वो उसको लगा कि बहुत ही बेसिक की बात हो रही है। खैर चलो जो लिखा है उसने सही है, सही है। तो मैंने कुछ हेडिंग्स और कुछ पैराग्राफ्स यहाँ से लिखवा लिए, और लिखवाने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है ब्राउज़र में। तो ये मेरे पास एक आदत क्या हो गया, एक बेसिक HTML का छोटा सा पेज बनकर आ गया। इसके अंदर CSS को अटैच करने के तीन तरीके हो सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहला तरीका, मैं बनाऊंगा स्टाइल का टैग, हेड के अंदर बना रहा हूँ ये चीज़ नोट कीजिएगा, और स्टाइल के टैग में आके मैं बोलूँगा पैराग्राफ के अंदर क्या कर दो, सही है, देखो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह लिख रहा हूँ जैसे उन्होंने बुक में बताया हुआ है। मैंने कहा भाई पैराग्राफ के अंदर कलर इसका रेड, कलर इसका कर दो आप रेड। तो जितने भी पैराग्राफ होंगे सबका कलर जो होगा, फोरग्राउंड कलर की बात हो रही है, वो रेड हो जाएगा। तो आते हैं देखते हैं क्या रेड होता है, ठीक है ये रेड हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं कोई और प्रॉपर्टी भी कह देता हूँ उसको, मैं कह देता हूँ कि भाई फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ, फॉन्ट साइज़ 14 पिक्सल, ठीक है। तो वो अप्लाई हो गया इसके ऊपर, देखो फॉन्ट इसका जो है ना थोड़ा सा चोंच वाला फॉन्ट था पहले, सही है, ऊपर जैसे चोंच वाला फॉन्ट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। 36 पिक्सल कर देता हूँ इसके फॉन्ट के साइज़ को मैं, तो वो 36 पिक्सल हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो गया फॉन्ट। तो मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। अच्छा, यही सेम काम मैं कैसे कर सकता हूँ, अलग फाइल बना के भी कर सकता हूँ। मैंने कहा है अलग से बनाओ styles.css, और मैंने वो काम यहाँ पे लिख दिया, सही है। इस स्टाइल वाले को मैंने कमेंट कर दिया अलग से फाइल, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। पहला तरीका हो गया ये वाला, और दूसरा तरीका है अलग से फाइल बना के। अलग से फाइल जब मैं बनाऊँगा तो उसको मैं ऐसे अटैच करूँगा, लिंक और रिलेशन स्टाइल शीट href styles.css और .slash यहाँ पे अगर लगा दूँ तो बहुत बेहतर है, तो भी इससे क्या होगा, सेम इफेक्ट आएगा। लेकिन अब की बार मैंने CSS कहाँ लिखी है, मैंने कहा भाई इसको जो है ना वापस क्या कर दो, ब्लू कर दो कलर इसका। तो आप देखेंगे ब्लू हो गया, ठीक है। फॉन्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, मैंने कहा 24 पिक्सल कर दो, ठीक है, तो 24 पिक्सल हो गया फॉन्ट। तो ये दूसरा तरीका है कि अलग से फाइल बना के मैंने इसको इस्तेमाल किया। अच्छा, एक तीसरा तरीका भी है, एक तीसरा तरीका ये है कि मैं किसी भी पैराग्राफ पे आऊँगा, स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लगाऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, कलर और ग्रीन मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो इसका कलर ग्रीन हुआ है सिर्फ, तो ये तीसरा तरीका मैंने बता दिया आपको। अच्छा, कॉमा लगा के मैं जितना चाहूँ यहाँ पे बताता चला जाऊँ लाइन से, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा भाई ये अपना फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, सही है, तो ये देखो फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया, इसी सिर्फ इस पैराग्राफ का हुआ है। तो मैंने दो स्टाइलिंग लगा दी, 3, 4, 5, 6 जितना चाहूँ मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। अच्छा, ये वाला जो तरीका कहलाता है ना, ये कहलाता है इंटरनल CSS, एंड दिस इज़ नॉट रेकमेंडेड, ठीक है। ये वाला तरीका आपने इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। दिस वन इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल CSS, ठीक है, और दिस इज़ रेकमेंडेड। हमेशा आपने कोशिश करना है आप एक्सटर्नल फाइल का इस्तेमाल करें। अच्छा बावजूद इसके कि मैं इस क्लास के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनल CSS का इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है, उसका रीज़न ये है कि सेम पेज पे अगर CSS होती है ना, और थोड़ी सी होती है, तो समझाने में मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेहतर रहती है वो। लेकिन जब CSS लिखेंगे तो आपने इंटरनल को अवॉइड करना है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जब ज़्यादा CSS हो जाती है तो सेम पेज पे अगर HTML और CSS दोनों हो तो वो कोड आपका बहुत लंबा हो जाता है। फिर दूसरा ये कि इंटरनल CSS को आप रीयूज़ नहीं कर सकते, एक पेज पे जो CSS लिख दिया आपने, अब दूसरे पेज पे सेम स्टाइलिंग करने के लिए दोबारा वहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे नेविगेशन बार, हमने 4 पेजेस वाली वेबसाइट बनाई थी आपको, अब उसमें 4 बटन है नेविगेशन पे हमारे, उन चारों पे सेम स्टाइलिंग दिखानी है। तो बटन मैंने अगर इंटरनल CSS में लिखा है तो मैं दूसरे पे उसको रीयूटिलाइज नहीं कर सकता, रीयूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे अगर मैं
अलग से फाइल बना के लिखी है मैंने, तो मैं उसको रीयूज़ करूँगा। अब रीयूज़ कैसे होता है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया। तीसरा जो है ना इनलाइन वाला, ये तो बिल्कुल ही नॉट रिकमेंडेड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। सही है, ये भी नॉट रिकमेंडेड है। अच्छा, ये नॉट रिकमेंडेड इस वजह से है क्योंकि इससे भी आपका जो कोड है वो काफ़ी कचरा होता है, और दूसरा ये कि अगर बिल्कुल पिन पॉइंट करके आप कर रहे होते हैं और इसकी प्रेसिडेंस भी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप बाहर के सीएसएस पे कुछ आप इसको हटाना चाहें ना, तो हटता भी नहीं है ये, तो इस वजह से ये इनलाइन सीएसएस तो बिल्कुल ही नॉट रिकमेंडेड है। मतलब सही मानों में जो प्रॉब्लम जो सॉल्व की गई है, सीएसएस को एक अलग लैंग्वेज बनाने का मेन रीज़न ही यही था कि जो एट्रीब्यूट के ज़रिए स्टाइलिंग होती है ना, उसके जान छुड़ाया जा सके, ताकि HTML अलग हो जाए और CSS एक स्टाइलिंग की जितनी चीज़ें हैं ना, वो सब अलग हो जाए, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न जो जो मेन मकसद था जो CSS को बनाने का, अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो मकसद फौत हो जाएगा, ठीक है। वो मकसद अचीव नहीं हो पाएगा कि दोनों अलग अलग हो, सेपरेशन ऑफ कंसर्न वाला, ठीक है। तो ये काम आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी इसको करने की। स्टिल समटाइम ज़रूरत पड़ जाती है तो वहाँ पे ये एज अ ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आपने कोशिश करना है अब इसको अवॉइड करें। अच्छा, तो ये तीन तरीके हमने देख लिए CSS को अप्लाई करने के। तो आ जाते हैं अब आगे क्या इन्होंने बताया हुआ। अच्छा, यहाँ पे भी इन्होंने तीनों तरीके बताए हुए हैं। यूजिंग एक्सटर्नल CSS लिंक के ज़रिए अटैच करना है, ऐसे करके अलग से फाइल बनेगी, ठीक है जी। यूजिंग इंटरनल CSS और इनलाइन CSS का इन्होंने जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद ना ये डिफरेंट सेलेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये हेलो वर्ल्ड हमारा कंप्लीट हो गया CSS का, तो आप सब लोगों ने जाके इसको अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपनी अपनी जो CV या रेसिपी जो भी बनाया हुआ है उस पर अप्लाई करना है। जी सवाल। ये हम सेलेक्टर्स जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। सही है, हम अलग अलग क्लासेस बनाते हैं असल में, तो वो क्लास लेकिन क्या होती है आपको पता नहीं है अभी, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये करते हैं इंशाल्लाह।